अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग पर सलामती हो, अल्लाह ताला का फजल हो। आप लोग ठीक रहें, आप लोगों के जानवर ठीक रहें। ये दोस्तों दूसरा दिन मेरे मिस्री मुर्गियाँ और असील का जो जोड़ा है पट्ठों का, वो अभी खोलेंगे। शाम के कोई 5-6 बज रहे हैं, इनके खाने का भी टाइम है। इनके साथ आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा मैं ज़रा इधर इनको खुला भी छोड़ूंगा, काफ़ी अर्सा ही हो गया इन्हें खुला छोड़े हुए। खुडे में रहे हैं, सर्दी बहुत है, धूप नहीं रही तो मैंने खुला नहीं छोड़ पाया। अब धूप थी आज, लेकिन मैं फिर नहीं खुला छोड़ पाया। फ़िलहाल इनको खोलेंगे तो खोले रहने देंगे अभी थोड़े देर, 10-15 मिनट तक। तो इनके आज आपके इनकी डाइट इनके साथ शेयर करेंगे। कल तो वैसे इनकी शेयर किया था, इनकी जो सी डाइट है, इनको सुबह में 3 मुट्ठी गंदुम या 2 मुट्ठी गंदुम, और अगर 3 मुट्ठी गंदुम है तो उसके साथ मैं ना 1.5 मुट्ठी बाजरा मिक्स करके इनको देता हूँ, और कभी मैं इनको 2 मुट्ठी गंदुम और 1 मुट्ठी बाजरा इनको मिक्स करके देता हूँ, और कभी सिर्फ और सिर्फ मैं 3 मुट्ठी गंदुम भी देता हूँ। तो इनको मैं 2 टाइम देता हूँ इनकी डाइट खाने की, जो सुबह एक तो सुबह के टाइम में देता हूँ, सुबह कह लें कि 9-10 बजे करीब इनके एक होती है डाइट, तो एक उस टाइम देता हूँ, एक कोई 5 बजे करीब देता हूँ। तो पानी भी मैं उस टाइम ही अंदर रख देता हूँ बर्तन। तो इनका मैं कल आपको खुडे के अंदर से मैं दिखाऊँगा भी इनका पूरा हिसाब। ये देखें फिलहाल लड़ते भी हैं बीच में, जब भी मैंने खुला छोड़ता हूँ लड़ते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते, लड़ते भी हैं ये सील और मिस्री बीच में। तो इंशाल्लाह मेरे 1 महीने तक मिस्री वालों ने मुर्गे ने अंडे भी देने शुरू कर, मुर्गियों ने अंडे भी देने शुरू कर देने। आजकल मेरा मुर्गा सुबह के टाइम अजान देना स्टार्ट हुआ है, अजान फुल नहीं सही दे पा रहा, लेकिन देने की कोशिश कर रहा। अभी उम्मीद है कि महीने तक या हफ्ते इनके कुछ अर्से तक इसकी अजान की आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो ये आज आपके इनकी थोड़ी सी अपडेट शुरू शेयर करनी थी, इनकी खुराक वगैरह, इनकी डाइट क्या मैं देता हूँ, खाने में क्या देता हूँ, डाइट क्या इनकी। वो देखें ये लड़ते रहते हैं, सफ़ेद और ये सील की पट्टी, ये बहुत लड़ते हैं आपस में। तो वैसे बड़े वाले भी मुर्गा मुर्गे को भी बीच में लड़ रहे होते हैं मिस्री, क्योंकि ये वैसे ही खाना इनके मुँह से एक दूसरे के छीनते हैं। तो इनका मैंने आपको बताया कि मैं गंदुम देता हूँ। फिलहाल ये अभी खोद रहे हैं अंदर से कुछ सब्ज़ा ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, बाजरा वगैरह ढूंढ के खा रहे हैं ये, और बाजरा कह रहा हूँ सॉरी, सब्ज़ा कीड़े वगैरह कोई होते हैं क्यारी में तो वो ढूंढ के खा रहे हैं। तो फिलहाल मुर्गी एक्टिव हुई हुई है, ये देखें कोई इनको मस्ती फ़िलहाल हुई हुई है, लड़ रहे हैं। वो मेरा सफ़ेद मुर्गा है। ये सारे जो से मिस्री जो आपको चूज़े नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं 50-50 रुपये छोटे बिल्कुल होते नहीं जितने, वो मैं लाया था, तो ये अब वो इतने बड़े हुए हैं। तो मैं वीडियो में लिंक भी दूंगा अपने असील पट्टों का, इन असील पट्टों के पर स्पेशल मेरी प्योर ओल्ड ब्लड लाइन असील पट्टे मैंने मेरे का, ये मैंने ब्रीड है मेरे पास, ठीक है। ये 5-6 महीने में लग गए होने हैं, तो ये 6 महीने के हो गए होंगे। तो ये मेरे पास ब्रीड है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वीडियो के एंड में भी ज़रूर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे नए मेरे चैनल पे आए वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं, हमें राय देना चाहते हैं, या हमें बेहतरी हमारे चैनल में देखना चाहते हैं, या उनको अपना मुश्किल कोई कीमती देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें दें अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको अभी ही टॉपिक बताता हूँ, वो एक केज के बारे में टॉपिक होगा, कि केज वो उस केज में आपको कल दिखाऊंगा। उस केज का मैं फ़िलहाल ये बता दूँगा वो सिर्फ केज है, उस केज के ऊपर वीडियो आएगी और वो बताऊँगा वो केज का मकसद क्या है, वो केज कहाँ से लिया है, और मैंने वो खुद बनाया कैसे बनाया और वो किस लिए बनाया। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।